दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं वेंद्री, अभी मैं उत्तराखंड की हरिद्वार में भारत सेवा संघ आश्रम में मौजूद हूँ। यहाँ पे महासप्तमी का पूजा चल रहा है, नवरात्रि का त्यौहार है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। दोस्तों, मैं अभी भारत सेवा संघ आश्रम में मौजूद हूँ उत्तराखंड हरिद्वार में। देखिए, इस हरिद्वार में भारत सेवा संघ आश्रम में आप सभी को दिखा रही हूँ, और स्वामी प्रणवानंद को नमस्ते करते हुए मैं आपको दुर्गा मंडप के स्थान पे लेके जा रही हूँ। आप वहाँ पे माँ का दर्शन कीजिए, और यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी बच्चों का भी हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं वेंद्री, अभी मैं भारत सेवा संघ आश्रम में हरिद्वार में मौजूद हूँ, और आप आज महासप्तमी है, और यहाँ पे बहुत सारे डांसिंग प्रोग्राम के अलावा बहुत कुछ प्रोग्राम होने वाला है, खाना पीना बहुत कुछ होने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और कहीं मत जाइएगा, आगे बहुत कुछ वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ओके, जय माता दी। दोस्तों, उत्तराखंड हरिद्वार में माँ की पूजा कई स्थानों में हो रही है, उसमें से है भारत सेवा संघ आश्रम, माँ आनंदमयी का आश्रम, भोलागिरी का आश्रम, और दो चार इधर उधर भी है, उसे हमें पता नहीं। अगर पता होगा तो वो भी हम आगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो और जो दो पूजा हो रही है माँ आनंदमयी की, वो पूजा भी हम आपको दिखाएंगे, और भारत सेवा और भोलागिरी की जो आश्रम है उनका, वहाँ पर भी माँ का पूजा हो रहा है। वहाँ पर अष्टधातु का माँ का मूर्ति है, वो भी हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस कई दिनों में, तीन चार दिन, मैं आपको नवरात्रि की एक एक जगह की एक एक वीडियो आपको देती रहूँगी। आप देखते रहिएगा कि हरिद्वार में कैसे पूजा हो रही है, माँ को कैसे हम यहाँ के लोग पूजा करते हैं, कैसे वहाँ पे ज्वाइन करके आनंद लेते हैं। और बाहर से भी बहुत सारे बंगाली यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ पे दुर्गा पूजा के आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों, ये भारत सेवा संघ आश्रम में आज जो एक्टिविटी यहाँ पे कल्चरल हो रही है, तो यहाँ पे बैठ के बच्चों को, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हैं जो बैठ के यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, और कंपटीशन हो रहा है, और शाम को भी अलग से कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पे नियोजित किया गया है। तो रोज़ ही ऐसे ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी का इन लोगों ने प्रोग्राम करके सोचा है कि कुछ करें। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे माँ का भोग का जो व्यवस्था किया गया है, के श्रद्धालु जो भक्तगण यहाँ पे रोज़ माँ का दर्शन करने आएंगे, पूजा करेंगे, उनके लोग इन लोगों के लिए यहाँ पे माँ का प्रसाद यहाँ पे लोग सभी ग्रहण कर सकते हैं। जो भी आ रहे हैं तो माँ का प्रसाद यहाँ पे निष्ठा भर के आयोजित किया गया है, वो ग्रहण कर रहे हैं। तो हमने भी वो प्रसाद लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए वेंद्री को इजाज़त दीजिए, और मेरे साथ सभी बोलिए जय माता दी, जय माँ दुर्गा।